लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्चना सारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। रमजान से पहले उमरा करने मक्का पहुंची हिना खान, हिसाब में सामने आई खबर। रणबीर कपूर ने डायरेक्टर करण जौहर पर लगाए छवि खराब करने के आरोप। देश से गद्दारी महंगी पड़ेगी, कंगना रनौत का दिलजीत पर निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रमजान से पहले उमरा करने मक्का पहुंची हिना खान, हिजाब में सामने आई तस्वीरें। जी हाँ, मशहूर एक्ट्रेस हिना खान रमजान के 5 महीने में उमरा के लिए मक्का रवाना हो गई है। जी हाँ, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ये खबर शेयर की है। हिना खान ने जो तस्वीरें शेयर की है उसमें वो सफेद सूट में नजर आ रही है। जी हाँ, उनके सिर पर हिजाब है। उन्होंने लिखा है, अपने पहले उमरा का इंतजार कर रही हूँ। जी हाँ, फिर खान ने मक्का शरीफ जाते हुए तस्वीर शेयर की है जिसमें वो काले रंग की कार में जेद्दा से मक्का जा रही है। जी हिना एक लग्जरी होटल में रुकी हुई है। एक्ट्रेस ने होटल से भी तस्वीर शेयर की है। हिना खान के साथ उनकी माँ और भाई भी गए। जी हिना खान ने हाल ही में शोबीज इंडस्ट्री में 14 साल पूरे किए। जी हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपनी शुरुआत की थी और 8 सालों तक अक्षरा की भूमिका निभाई। हिना खान ने टीवी और वेब सीरीज में कई यादगार भूमिकाएं निभाई है। जी हिना खान कांस फिल्म फेस्टिवल में रैप वर्क भी कर चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि रमजान का महीना 23 मार्च से शुरू हो रहा है। हिना खान समेत कई सेलेब्स रमजान की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय से कई सितारे उमरा करने जा रहे हैं। हिना खान से पहले जन्नत जुबैर, फैसल शेख, दीपिका कक्कर, सबा इब्राहिम, गौहर खान और सना खान भी मक्का जा चुकी है। जी हाँ, रणबीर कपूर ने डायरेक्टर करण जौहर पर लगाए छवि खराब करने के आरोप। जी हाँ, रणबीर कपूर ने अक्सर ही किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। हाल ही में तू झूठा मैं मक्कार अभिनेत्री ने करण जौहर पर उनकी छवि खराब करने की आरोप लगाया। जी हाँ, उन्होंने उन्हें अकेला और इशियारलू बताया है। रणबीर कपूर करण जौहर बॉलीवुड के सावरिया रणबीर कपूर इन दिनों सफलता का स्वाद रख रहे हैं। जी हाँ, उन्हें फिल्म तू झूठी मैं मक्कार बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। जी हाँ, रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक है जो मीडिया में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात करते हैं। जी हाँ, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने करण जौहर पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। रणबीर कपूर हाल ही में अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन के लिए करीना कपूर खान के शो व्हाट विमेन वांट में पहुंचे। जी हाँ, जहां उन्होंने बेटी राह और अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से शेयर किए जिसे सुनकर खुद करीना कपूर भी हैरान रह गए। जी हाँ, इसका जवाब देते हुए रणबीर ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपके और मेरे बारे में गपशप करने के लिए बदनामी मिली है और ये सब करण जौहर की वजह से है। जी हाँ, रणबीर कपूर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि वो करण जौहर बहुत अकेला और ईर्ष्यालु है क्योंकि हर कोई इसके लिए उसे दोषी ठहराता है। जी हाँ, उसे किसी कंपनी की जरूरत थी इसलिए उसने हमारा नाम लेना शुरू कर दिया। बात यह है कि हम दोनों का फिल्मों और इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है। जी हाँ, इसलिए हम उस बारे में बात कर रहे थे। आपको बता दें कि करण जौहर कई मौके पर ये कह चुके हैं कि इंडस्ट्री में रणबीर कटरीना सबसे ज्यादा गॉसिप करते हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि उनका भी ग्रुप होता है। रणबीर कपूर ने करियर की बात करें तो श्रद्धा कपूर के साथ तू झूठी मैं मक्कार के बाद वो जल्द ही नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म एनिमल में नजर आएंगे। जी हाँ, इस फिल्म में उनका किरदार बाकी फिल्मों से अलग होने वाला है। रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस फिल्म के बाद फिल्मों से ब्रेक लेंगे और अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। देश से गद्दारी महंगी पड़ेगी, कंगना रनौत का दिलजीत पर निशाना। बोली पोल्स आ गई पोल्स। जी हाँ, फिल्म में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मशहूर पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर एक बार फिर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मीम के बहाने दिलजीत दोसांझ का मजाक उड़ाया, उन्हें इशारों में गिरफ्तार की धमकी दी है। जी हाँ, कंगना रनौत ने बीते रोज ट्विटर पर स्विगी स्मार्ट का एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कई तरह की दाल की तस्वीर दिखी। जी हाँ, और साथ ही लिखा था, ओ पोल्स आ गई पोल्स। जी हाँ, इस पोस्ट पर कंगना ने दिलजीत को टैग किया और लिखा, बस कह रही हूँ। जी हाँ, कंगना का दिलजीत पर निशाना। बात ये
यही नहीं रुकी, इसके बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, दिलजीत दोसांझ जी पोल्स आ गई पोल्स। इसके साथ उन्होंने खबरें का निशाना और हंसते हुए शक की तस्वीर भी लगा दिया। अगले इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना रनौत ने लिखा, जिन लोगों ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था याद रखो अगला नंबर तुम्हारा है पोल्स, पुलिस आ चुकी है। जी हाँ, ये वो वक्त नहीं है जब कोई भी कुछ भी करता था, देश के साथ गद्दारियां टुकड़े करने की कोशिश महंगी पड़ेगी। जी हाँ, कंगना रनौत की अब अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ खुद कड़ी के इमोजी के एक महिला जी हाँ पुलिसकर्मी की तस्वीर भी शेयर की। बता दें कि दिलजीत के कंगना के बीच पहले भी सोशल मीडिया पर वार पलटवार होते रहे हैं, हालांकि अभी तक दिलजीत ने कंगना की इन बातों का जवाब नहीं दिया है। अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है पुलिस। जी हाँ, पंजाब में इन दिनों पुलिस फॉर इस पंजाब डे ग्रुप के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस फॉर इस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश भी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही अमृतपाल सिंह गायब है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएसटीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइकुल फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।